नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र के थाने के वर्तक नगर इलाके में विवियाना मॉल के पीछे एक दीवार गिर गई। यह दीवार 35 से 40 फीट लंबी थी। दीवार गिरने से घर को नुकसान हुआ है, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। ओडिशा में रविवार देर रात हुए एक दर्दनाक बस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। घटना गंजाम जिले की है, जहां यात्रियों से भरी ओडिशा रोडवेज बस और एक निजी बस की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में कई यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए बेरहमपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के साथ ही राजधानी मुंबई में जमकर बारिश हुई। शहर के पिछले 2 दिनों में बारिश की वजह से अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दम दिखाया। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक सबको खरी खोटी सुनाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को मिर्ची लगने, कांच के घर, कंकाल से लेकर नहीं छोड़ने तक की बात कही, तो वहीं शरद पवार को सीधे सीधे टारगेट किया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शनिवार की शाम AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली थी। इस रैली में कुछ लोगों ने औरंगजेब अमर रहे के नारे लगाए। इस नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीति गर्म हो गई है। एक तरफ बुलढाणा पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने का दावा किया है, वहीं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर सवाल उठाया कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर मुगलों की औलादें कहां से आ गई हैं। अगर आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो एक नया फीचर आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करेगा। ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने ऐलान किया है कि वो Google के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डबिंग टूल अलाउड का इस्तेमाल करेगा। इस टूल के जरिए आप अलग अलग लैंग्वेज में वीडियो डब कर पाएंगे, यानी न सिर्फ आप अपनी भाषा में के लोग बल्कि दूसरी भाषा जानने वाले यूजर भी आपका वीडियो देखेंगे और आसानी से इसे समझ भी सकेंगे। इस तरह यह फीचर आपको YouTube से कमाई बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। मुंबई के पनवेल में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। न्यू पनवेल में एक सोसाइटी के घरों के बाहर PFI जिंदाबाद संदेश और सुतली बम मिले। PFI जिंदाबाद संदेश लिखी चिट्ठी और सुतली बम मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के मसले पर उपराज्यपाल का इस्तीफा मांगा है। उनका कहना है कि LG को इस्तीफा देकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाना चाहिए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर NIA के रेड जारी है। टेरर फंडिंग मामले में NIA ये कार्रवाई कर रही है। शोपिया, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगामा जिले में ये रेड पड़ी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। नासिक जिले में कार में गोमांस ले जाने के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई से घायल 2 युवकों में से एक इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ में NBC न्यूज पर। नमस्कार।